सरकार का पहला आम बजट पेश हो चुका है। आइए जानते हैं प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से कुछ प्रतिक्रिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। देखिए, ये बजट गांव, गरीब, किसान को समर्पित बजट है। ये बजट छोटे दुकानदार को जहां पर सुविधा दे रहा है और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इसको करने की पूरी मंशा, इन सूत्रों को करने की पूरी मंशा इस बजट में है। सबको घर देने की योजना है और विदेशी निवेश को बढ़े कैसे उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना एक नई योजना है जो हमारे मछुआरों को जो तटीय क्षेत्रों पर और किस तरह इससे धन की प्राप्ति होगी, किस तरह उन मछुआरों का और उन केंद्रों का विकास होगा और जो व्यापार उससे मिलेगा, वो एक बड़ा फोकस उन्होंने किया है। बहुत ही छोटी जगह पर, लगता छोटी जगह पर लेकिन बड़ी जगह पर है वो जी। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जल मिशन को लेकर के हर घर नल और हर घर जल, ये 2024 तक इसको पूरा करने के लिए जो कदम उठाए हैं बजट में, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, ये बहुत बड़ी पहल इस सरकार ने इस बजट में की है। और सबसे बड़ी बात है जो फिस्कल डेफिसिट है, जो प्रतिशत है जीडीपी का, बजट घाटे का, वो 3.3% पे लेकर आने का जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, 3.4 से 3.3 तक लाने का। तो एक ये यकीन दिला रहा है कि भारत के गरीब के लिए मकान, कृषि के लिए निजी निवेश और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना और खास करके ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान को लागू करके और ये जो काम किए हैं इस बजट में अर्थव्यवस्था के लिए, वो बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात ये कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेट करेगी और दूसरी बात, जो लोन देने वाली जो कंपनियां हैं उनको आरबीआई कंट्रोल करेगी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। तो इसमें जो फ्रॉड के, जो धोखाधड़ी के और जो छोटे जो बोरोवर्स हैं उनके साथ जो ये नाइंसाफी होती है इसको दूर करने में मदद मिलेगी और जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जी। तो सर ये बताइए, हाल ही में जो ये बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है कि व्यापारियों के लिए कितना कारगर साबित होगा? मैंने कहा ना कि व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने एक तो बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है, 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन, ये जो योजना है 59 सेकंड में लोन की, उसमें 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन देने से, इसमें मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने से छोटे व्यापार, छोटे उद्योग बढ़ने में और बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया। तो आइए सीधे जुड़ते हैं प्रदेश कांग्रेस के सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा जी से और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। नरेंद्र सलूजा जी, बताइए क्या है आपकी प्रतिक्रिया? पूरी तरह से निराशाजनक है, आम जनता को ठगने वाला बजट है। इस बजट से आम जनता को राहत, आम जन विरोधी बजट है। इस बजट में कुछ नया नहीं है, जनता महंगाई से त्रस्त थी, जनता महंगाई से राहत की बात कर रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की बात कर रही थी, उल्टा उसके विपरीत उसका सेस लगाकर उसे और महंगा किया गया है। आम गृहणियों को ठगा गया है, सोने पर उत्पाद शुल्क 10% से 12.5% किया गया है, मिडिल मध्यम वर्ग जो है उसे इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं प्रदान की गई है। अब करें तो किसानों की आय दोगुनी से लेकर गाँव गरीब किसान युवाओं के रोजगार से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया। अभी भी लोगों को 2022 से लेकर 2024 के सपने दिखाए जा रहे हैं, सबको घर, सबको जल, सबको बिजली, सबको देश के फिर एक बार सपने दिखाए जा रहे हैं। पूरी तरह से अच्छे दिन से निराश करने वाला बजट है। जो सपने भाजपा ने चुनाव के पूर्व दिखाए थे उसे धराशायी हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि मिडिल क्लास में नाराजगी की लहर चल रही है? निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग को लेकर इस बजट में कुछ नहीं, टैक्स में राहत कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग की कोई घोषणा नहीं है। आज युवा रोजगार को लेकर परेशान हो रहा है, युवा को कल के सपने दिखाए जा रहे हैं, वर्तमान युवा का खराब हो रहा है। जिस प्रकार पहले 5 साल में सपने दिखाए थे वैसे सपने आज भी दिखाए जा रहे हैं। कोई ठोस प्रावधान किसी भी क्षेत्र में इस बजट में नहीं किया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हितेश जी बताएं, हाल ही में जो आम बजट पेश हुआ है, इससे कितना फायदा होगा आम लोगों को? देखिए, ये पहली चीज तो 6 महीने के लिए बनाया हुआ बजट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव के अभी अभी परिणाम आए हैं, तो स्वाभाविक है कि इंटरिम बजट का ये इंटरिम बजट है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जैसे 100 लाख करोड़ रुपए का जैसे इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए का उसमें किया हुआ है, फिर उसके पश्चात कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जो 25% का रिलीफ दिया गया है, और उसके बाद हाउसिंग लोन में जो 45 लाख तक के मकान है उसमें 1.5 लाख तक की जो छूट दी गई है, और इनकम टैक्स के 3% और 7% सरचार्जेस को जो है वो जिनकी इनकम 5 करोड़ से अधिक है उस पर लगाकर एक मिडिल क्लास को सेव किया गया है। ऐसे कई काम किए गए हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि ये बजट आने वाली स्कीम्स के लिए बुनियाद का काम करेगा, और जो रेगुलर बजट जनवरी फरवरी में आएगा, मुझे लगता है उसकी तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। जी हितेश, ये बताइए कि इस आम बजट को लेकर के क्या मिडिल क्लास में नाराजगी की लहर चल रही है? ये संभव नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है, मिडिल क्लास के ऊपर बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिलैक्सेशन है, और यही कारण है कि इस बार जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो दोनों में लगभग 15-17% का इंक्रीज हुआ है, और वही दूसरी ओर यदि हम एक्सचेकर के रूप में देखें तो सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए लगभग इसमें डेफिसिट को कम किया है, या हम कहें कि इंटरिम बजट से भी तुलना करेंगे तो 6,000 करोड़ रुपए हमने स्थापना व्यय में कम करके और बचाए हैं। तो एक प्रूडेंट किस्म का बजट है। हाँ, इसमें जो लुक्रेटिव स्कीम्स या उस प्रकार की जो अप्रोच देखने में आती है उसके नहीं होने की वजह से हो सकता है कि लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन पैदा हो, लेकिन जब हम इसको पूर्णतः इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाला बजट है, लड़ने वाला बजट नहीं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इसको समझ पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पुश हो, FDI बढ़े, वहीं दूसरी ओर भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोटेक्टेड हो, तो सिलेक्टिव इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज भी किया गया है, ये सबको आप देखेंगे तो एवरेज एंड बजट। धन्यवाद हितेश जी। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव। राकेश जी बताइए, इस आम बजट से आम लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार को जो वोट मिले हैं पूरे देश में, और उससे जो उम्मीद थी आम आदमी को कि ये जो बजट आएगा इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन आंकड़ों के भ्रम जाल में उलझा के रख दिया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल और सोना महंगा कर दिया है, जो आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जरूरत होती है, और जहां तक युवाओं का सवाल है कि युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री पहले बहुत करते थे, वो पूरा मामला ही साफ हो गया है। उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है, हेल्थ के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, महिलाओं के लिए जो लोन की बात की है कि 1 लाख का लोन देंगे, वो 1 लाख का लोन सालों से वो नियम लागू है लेकिन बैंकों से वो लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उनसे कागजात इतने मांगे जाते हैं कि वो 1 लाख का लोन लेने में उनको 2-3 साल चप्पलें घिस जाती हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो भाषण में बोलने में अच्छी लगती हैं, और ये बजट प्रधानमंत्री का जो चुनावी भाषण है उसी स्वरूप में सामने आया है देश के। इससे जो राहत की उम्मीद थी कि जो मध्यम वर्गीय लोग बहुत परेशान है पिछले 5 सालों से जब से नोटबंदी हुई है, लेकिन इसके बाद भी आज कोई ऐसा उसमें राहत उनको नहीं मिली है, ना इनकम टैक्स में कोई राहत मिली है। युवाओं के लिए तो एक नई बात उन्होंने कर दी है कि विदेशों में मैन पावर की आवश्यकता है तो यहाँ मजदूर तैयार करेंगे और विदेश भेजेंगे। तो क्योंकि कोई शिक्षा नीति नहीं है इनके पास, शिक्षा नीति में कोई फेरबदल नहीं करा है, स्किल डेवलपमेंट जो करते थे उसको समाप्त करके अब स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, टीवी के जरिए स्टार्टअप करेंगे, ये सब ऐसी बातें हैं जो पूरे देश का माखोल उड़ा रही है। राकेश जी बताइए, जो आम बजट पेश हुआ, आपने जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो इससे क्या मिडिल क्लास में जो महिलाएं हैं, व्यापारी, उनमें क्या नाराजगी की लहर चल रही है? देखिए, महिलाओं के लिए जो उद्योग के लिए उनको जिस तरह की राशि और जिस नियमावली के तहत सेंक्शन करना थी वो कुछ भी नहीं हुआ है। जो वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे
कि महिलाओं को ऐसा स्टार्टअप मिलेगा, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसी योजनाएं मिलेंगी, ऐसी किसी भी योजना का कोई स्वरूप उस बजट में वो पेश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले भी दिए हैं कि मेट्रो ट्रेन का ऐसा डेवलपमेंट होगा, रेलवे का ऐसा डेवलपमेंट होगा, इसके लिए 50 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, लेकिन 50 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से, ये बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सब बातें एक चुनावी घोषणा पत्र जैसी लगती हैं। ये 8-9 महीने निकलने के बाद फिर नया बजट आ जाएगा साल भर बाद, और ये बातें फिर पुरानी हो जाएंगी। तो एक तरह से बहुत निराशाजनक बजट है ये आने वाले भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। तो ये थी आम बजट को लेकर के राजनीतिक गलियारों की प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।